अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ टोलू और आप लोग देख रहे हैं कौन टोलू। आज हम लोग दोबारा कोई वीडियो नहीं बनाने वाले, ये इट्स अ व्लॉग और ये स्पेशल है, 1000 स्पेशल। तो आज हम लोग जाने वाले हैं मदीना शरीफ, तो वहाँ पे हम लोगों का 3 डे का स्टे है, आज कल और परसों तक। तो मैं आपको 3 डेज का व्लॉग दिखाऊंगा फुल मदीना में। हम लोग वहाँ मस्जिद में भी जाएंगे, तो हम आपको सारा व्यू दिखाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको बस फ्रेंड्स हमारे साथ है, चलिए मेरे फोन लगी थी, हम साथ लेके जाने वाले हैं। आज इसमें क्या आने वाले हैं, मेरे मम्मा बाबा जो है वो आने वाले हैं, मेरे मम्मा बाबा ऊपर से आने वाले हैं, जो मेरे मम्मा बाबा ऊपर से आने वाले हैं, मुझे बात बोलने दो ना। तो अभी हम वेट करते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स मैंने तो अपने सो फ्रेंड्स हम लोग जो हैं बस में बैठ चुके हैं, तो हम लोग की बस चल भी गई, हम लोगों ने सफ़र की दुआ कर ली। तो फ्रेंड्स आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि हम बहुत टाइम बाद जा रहे हैं। सो हम आपको व्लॉग दिखाएंगे आगे, और बाहर कितनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं आप देख सकते हैं। सो ये मैंने शेड ज़रूर लिए थे अपने, लेकिन आप मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो हम लोग जो हैं मौसम मिस करने वाले हैं जद्दा का। लेकिन मदीना में जो है आपको पता है और भी अच्छा मौसम है, हमने देखा है वहाँ पे बहुत अच्छा मौसम होने वाला है, तो हम आपको दिखाएंगे। मेरे ये मैंने सनग्लासेस अपने शेयर लिए थे, कितने प्यारे थे, मेरे कपड़ों के साथ मैच भी कर रहे थे, लेकिन क्या करूँ अब यूज़ में नहीं आएंगे। लेकिन क्या पता वहाँ पे गर्मी होती है कभी कभी, सो हम वहाँ पे देखूँगा, अगर हुआ तो वो पहन के आपको ज़रूर सारा व्यू अच्छा सा करके दिखाएंगे। हम लोगों ने अपने साथ कुछ स्नैक्स रखे हैं, तो वो रास्ते के वीवर इन द टनल। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे रुके थे नमाज पढ़ने के लिए, यहाँ पे मैंने नमाज पढ़ ली है, मेरा ब्रदर भी पढ़ रहा है। बस में चलते हैं, फ्रेंड्स बहुत यहाँ पे ना पीछे आपको आवाज़ आ रही होंगी, चिड़िया बहुत अच्छी जा रही है और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, लेकिन हमें ठंड लग रही है। हाँ हाँ यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हैं। मैं जा रहा हूँ बस में, मम्मा भी आगे, हम अपनी बस में जाते हैं, मैं अब आपको मिलूंगा। फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया है, फ्रेंड्स अचानक से हम लोगों को जो है पूरा वेदर चेंज हो गया, बहुत यहाँ पे सर्दी है। मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था अंडर 20 रहता है मदीना में, और अभी भी 2 आवर्स है मदीना तक हमारे होटल तक पहुँचने के लिए। तो हम यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट वगैरह है, हम यहाँ पे कुछ लेने आए थे, अभी हम लोगों ने स्नैक्स रखे थे अपने साथ, लेकिन मौका पड़ गया तो हम लोग वो लेने वाले हैं हमारा आगे के सफर के लिए। बहुत सर्दी, बहुत ज़्यादा मतलब सर्दी होती है।
तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं मदीना में। ये मदीना की गलियाँ हैं फ्रेंड्स। अभी हम लोग होटल में पहुंचने वाले हैं, तो मैं आपको होटल में लूँगा। 5 घंटे हो गए हैं हमें सफ़र करते हुए, 5 आवर्स। बीच में हमने स्टे भी किया था, बीच में नमाज़ के लिए, स्नैक्स के लिए, और अभी टोटल 5 आवर्स हो गए हैं। तो मैं आपको होटल में मिलूँगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने होटल में आ गए हैं। ये हम लोग जब भी आते हैं यहीं पर स्टे करते हैं। पाकिस्तान हाउस नाम है इस होटल का। फ्रेंड्स बहुत थक गए हैं, बहुत ही लंबा सफ़र था। आई थिंक तकरीबन 5.5 घंटे का था स्टे को मिला। अभी जो है मेरा जो भाई है वो सारे फ्रेश हो रहे हैं, मेरे घर सब वीडियो बना ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करने वाले हैं क्योंकि हम लोग बहुत ही थक चुके हैं। ऊपर तबीयत भी ख़राब हो गई थी बीच में बस में। तो अभी जो है हम लोग अभी डिनर टाइम हो रहा है, तो रेस्ट करने के बाद हम डिनर टाइम से तो टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी डिनर तो करना है। बीच में स्नैक्स खाए थे। फ्रेंड्स, ये है हमारा व्लॉग डे 2 इन मदीना। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है। हम लोग अभी जाने वाले हैं हरम, तो उसके लिए मैं जाऊँगा अभी कपड़े चेंज। तो मैं अब आपको मिलूँगा कपड़े चेंज के लिए। फ्रेंड्स, अब हम आज जुम्मा-ए-मुबारक का दिन है और हम लोग जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो टाइम मस्जिद-ए-नबी में, मस्जिद-ए-नबी जा रहे हैं हमें 10 o'clock से पहले जाना है। हाँ जी फ्रेंड्स, हम लोग अभी पहुँचना है। हम लोग जल्दी जल्दी जाते हैं और फिर हम आपको मस्जिद-ए-नबी में। वापस मस्जिद-ए-नबी से, फिर वहाँ पे मैं बोल नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे सब लोग इबादत कर रहे थे, तो मैं अकेला वीडियो भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। फिर हम लोग का अभी लंच टाइम है, हम लोग अभी लंच करेंगे। हमारे पापा गए हैं लंच लेने के लिए। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने जो है इशा की नमाज़ पढ़ ली है और जाने वाला था, मतलब अभी हम शॉप जाने वाले थे घूमने के लिए। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा आपको दुनिया की जो दो पाक जगहों में से एक पाक जगह है मुबारक, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ से भी सलामी पेश कर सकते हैं। फिलहाल जो है मक्का में जो है बच्चों को जाना अलाउ नहीं है, वो एक ऐप से आपको पता जाना पड़ता है, हमें एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो जब वो खुल जाएंगे तो हम वहाँ भी इंशाल्लाह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है थोड़ी देर बैठे थे यहाँ पे, यहाँ पे बहुत ही अच्छी सिटिंग एरिया आप देख सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मदीना भी बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये पार्क है, बहुत ही प्यारा सिटिंग एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और उस तरफ हरम, अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज जो है हमारा डे 3 है मदीना, लास्ट डे, और हम लोग बहुत मिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको नहीं दिखाया सुबह उठ के, वही ब्रेकफास्ट ही किया था हम लोगों ने, फिर हम लोग थोड़ी देर शॉप गए थे। कल नहीं जा पाए थे फ्रेंड्स क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था, हम थक भी गए थे। ये मेरे फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। अभी हम लोग जा रहे हैं दोहर की नमाज़ पढ़ने और हम उसके बाद घर जाएंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम लोग की बस मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोगों ने क्या थोड़ा बहुत लिया। हमने ज़्यादा नहीं कुछ लिया, हम लोगों ने कुछ प्रेयर मैट्स लिए और बाद के लिए उसने पॉकेटों की ली थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है, खूबसूरत खूबसूरत आप देख सकते हैं।
फ्रेंड्स हम लोग जो है निकल चुके हैं जगह के लिए। हम लोग ने चेकआउट भी कर लिया था और अभी जो है हम लोग स्टे करने वाले हैं मस्जिद गुरुद्वारा असर की नमाज के लिए। तो अब मैं आपको मस्जिद गुरुद्वारा दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है मस्जिद कुबा। यहाँ पे हम दो नफर पढ़ने वाले हैं और फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता होगा मस्जिद कुबा में दो नफर पढ़ने से उम्रे का सवाब मिलता है। ये इस्लाम की पहली मस्जिद है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की हिजरत करते वक्त मस्जिद बनाई थी। फ्रेंड्स देख सकते हैं आपके पास Allahu